तो आज से कुछ घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी न्यूज आते जिसने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। और स्पॉयलर्स का मानना ये है कि WWE जो समर स्लैम 2021 का मैच का मेन इवेंट प्लान कर रही है वो होने वाला है ट्राइबल चीफ वर्सेस जॉन सीना के बीच। अब भाई इस मैच को लेकर और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स आ चुकी है सामने की WWE अभी फिलहाल जॉन सीना से क्या इस मैच को लेकर बातचीत कर रही है या फिर नहीं, लास्ट टाइम कब WWE ने इस मैच के बारे में डिस्कस किया था, कब से WWE के मन में रोमन वर्सेज सीना के मैच है मेन इवेंट का आइडिया, इन सभी चीजों को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी है सामने। साथ ही में हम लोग कीथ ली के बारे में करेंगे बात और एक बहुत ही अजीबोगरीब रीजन आ चुका है सामने क्यों कीथ ली अभी फिलहाल WWE के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और भी कुछ रिसेंटली डेट्स रिवील हो चुकी हैं कि कब होने वाले हैं WWE के लाइव इवेंट्स और सितंबर की पूरी टूरिंग WWE ने कर दी है अनाउंस। साथ ही में फाइनली WWE ने समर स्लैम 2021 की डेट भी कर दी कंफर्म और पहली बार इस बार होगा समर स्लैम सैटरडे को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग द लिमिटलेस कीथ ली की अपडेट के साथ में। और बहुत लोग पूछ रहे थे कीथ ली हैं कहां पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद WWE बुक होने कर नहीं रही है और कीथ ली भी बार बार अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू यही जता रहे थे कि वो रिटर्न करना चाहते हैं लेकिन WWE उनकी रिटर्न नहीं करवा रही है। लेकिन भाई आज एक बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज कहूंगा, शॉकिंग होगा पर्सनली मेरे लिए अपडेट थी। और रिसेंटली जो रिपोर्ट आती है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से उसका मानना यह है कि अभी फिलहाल जो WWE है वो कीथ ली की रिटर्न इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि कीथ ली अभी फिलहाल मेडिकली क्लियर नहीं है। एकदम सही सुन रहे जिस तरीके से आप लोग सरप्राइज हो वैसे मैं भी सरप्राइज हूँ। और इस रिपोर्ट का मानना ये भी है कि कीथ ली ने भी फिलहाल कहा है कि भाई इस चीज़ को आप लोग एकदम प्राइवेट रखना, ये जो बात है ऑडियंस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो मुझे बस अचानक से लापता कर दो WWE के अंदर। और थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद फाइनली WWE ने कीथ ली की ये वाली जो चीज़ है वो एक्सेप्ट कर ली और इसीलिए अभी तक हमें ये बात पता नहीं लगी है कि कीथ ली WWE के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों WWE कीथ ली का जो स्टेटस है वो एड्रेस नहीं कर रही है। तो भाई मैं यहाँ पर काफी सरप्राइज हूँ सही में इस अपडेट को लेकर। मुझे लगा शायद कीथ ली तो इस तरीके से जता रहे हैं कि अभी फिलहाल कीथ ली खत्म नहीं हुआ है, लिमिटलेस अभी भी जिंदा है, कि शायद WWE उन्हें बुक करना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है और कीथ ली अभी फिलहाल मेडिकली क्लियर नहीं है। देखो भाई कब तक मेडिकली क्लियर होते हैं, होप यही करूंगा कीथ ली को जो भी इंजरी है जिस तरीके से वो मेडिकली क्लियर नहीं हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और एक बार फिर से अपने लिमिटलेस आ जाएं रॉ के एपिसोड के अंदर वापस नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और इस बार समर स्लैम 2021 के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। जैसे मैंने आज की सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि मे बी WWE प्लान कर रही है समर स्लैम की एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट और वो हो सकती है कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। लेकिन भाई कल के स्मैकडाउन के शो से पहले WWE ने बस आज से कुछ मिनट पहले एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने कर दी है समर स्लैम 2021 की डेट कन्फर्म। यहाँ पर WWE ने ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि पहली बार होने वाला समर स्लैम 2021 सैटरडे को, क्योंकि डेट होने वाली है 21 अगस्त की, यानी कि इंडिया के अंदर संडे को आपको ये वाला इवेंट दिखाई देगा। आपको बाहर ले देश वाला मजा आने वाला है, मान लो आपको कहीं बाहर जाना होता है या फिर किसी काम से बाहर जाना होता है तो भाई संडे है फंडे, आराम से घर पे रहना एंजॉय कर सकते हो आप लोग समर स्लैम को 22 अगस्त को इंडिया के अंदर। और अभी फिलहाल जो समर स्लैम की लोकेशन है वो रिवील नहीं हुई है, जो समर स्लैम 2021 की लोकेशन है वो एक NBC का शो होने वाला जो कि 5 जून को होगा और ये जो 5 जून का शो होने वाला यहीं पर जो समर स्लैम की लोकेशन है वो हमें रिवील होती हुई नजर आएगी। तो भाई ये भी फिलहाल WWE की तरफ से एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया के वैसे जो शोज होते हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, लेकिन भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो शो है वो सैटरडे को हो रहा है और WWE सैटरडे को करवा रही है समर स्लैम का शो। तो इंडिया के अंदर संडे को समर स्लैम देखने का अलग ही मजा होगा। क्या आप लोग एक्साइटेड समर स्लैम के लिए या फिर नहीं, कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बारे जुड़ी है WWE की लाइव इवेंट्स के रिटर्न के बारे में, जो कि WWE ने आज कर दी है अनाउंस। और WWE ने पूरा अपना जो शेड्यूल आप एक तरह कह सकते हो वो रिवील कर दिया कि सितंबर तक उनके लाइव इवेंट्स किस तरीके से हमें रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। और भाई जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग 24 जुलाई से। 24 जुलाई को यहाँ पर सुपर शो एडवर्टाइज किया जा रहा है। अब सुपर शो मेरे हिसाब से लाइव इवेंट्स होंगे रॉ और स्मैकडाउन के कंबाइंड। फिर 25 तारीख को भी सुपर शो होने वाला है और ये KFC यूमी स्टेडियम के अंदर होगा, सॉरी सेंटर के अंदर होगा। सैटरडे को 31 तारीख को भी एक सुपर शो होने वाला है, 1 अगस्त को भी सुपर शो होगा, 2 अगस्त को रॉ होगी, 6 अगस्त को फिर सीधा स्मैकडाउन होगी, 7 को सुपर शो, 8 को सुपर शो, 9 को रॉ होने वाली है और 13 तारीख को स्मैकडाउन होगी, 14 को सुपर शो होने वाला है, 16 को भी सुपर शो होगा, फिर होने वाला है रॉ स्मैकडाउन, फिर समर स्लैम यहाँ पे भी डेट मेंशन है 21 अगस्त सैटरडे को होगा, 22 तारीख को एक सुपर शो होने वाला है एक बार फिर, 23 तारीख को होगा रॉ और उसके बाद 27 को एक बार फिर स्मैकडाउन होने वाला है, फिर 30 को होने वाला है 30 अगस्त को रॉ का शो और उसके बाद
भाई पूरी लिस्ट आप लोग देख पा रहे होगे, बहुत लंबी चौड़ी ये लिस्ट है और आखिरी में जो लिस्ट है वो जाके खत्म होती है मंडे नाइट रॉ 6 सितंबर के ऊपर। तो भाई ये कुछ लंबी चौड़ी WWE ने टूरिंग अभी फिलहाल उनके अनाउंस कर दी है पूरे सेप्टेम्बर की स्टार्टिंग वाले मंथ को लेकर, आई मीन 6 सितंबर तक ये जो पूरी डेट है वो रिवील हुई है। लगता है ऐसा कि WWE 6 सितंबर के बाद भी जो चीज़ है वो कंटिन्यू करेगी, क्योंकि पहले WWE ने सिर्फ 3 डेट्स रिवील की थी, फिर उन्होंने कुछ और डेट्स रिवील की हैं और समर स्लैम की भी अब तो डेट रिवील हो गई है और समर स्लैम के बाद के भी कुछ प्लान्स रिवील हो गए हैं। तो काफ़ी जल्दी मुझे ऐसा लगता है अगर चीज़ें सही रहती हैं एकदम परमानेंट तरीके से हमें लाइव ऑडियंस रिटर्न करती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है जॉन सीना और रोमन रेंस के समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट मैच के बारे में और इस न्यूज़ ने पूरे तरीके से रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा के रख दी है, क्योंकि जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच कोई छोटा मैच नहीं होगा, ये वन ऑफ दी बिगेस्ट मेन इवेंट होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग समर स्लैम की पूरी हिस्ट्री के अंदर और उसका जो मेन रीजन है वो होगा रोमन रेंस की अभी फिलहाल करंट की बुकिंग, क्योंकि WWE के अंदर ये मैच पहले भी हो चुका है, रोमन ऑलरेडी नो मर्सी के शो के अंदर सीना को हरा चुके हैं, लेकिन इस बार चीजें डिफरेंट होने वाली है। इस बार रोमन रेंस और जॉन सीना का सामना इसीलिए होगा ताकि रोमन रेंस का घमंड बरकरार रहे अगर वो जीतते हैं, या फिर जॉन सीना वो सुपरस्टार होंगे जो कि उनका घमंड हमें तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं। और भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक और अपडेट आ चुकी है सामने इस पूरे फ्यूड को लेकर, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। यहां पर यह बात रिवील हुई है कि जैसा कि आप लोग सुन रहे हो स्टोरीज अभी फिलहाल WWE के मेन इवेंट को लेकर और जो मेन इवेंट है समर स्लैम का, वहां पर एक गेस्ट जो है हमें आता हुआ नजर आएगा एक स्टेडियम के अंदर, वो गेस्ट एक होस्ट होने वाला यानी कि जॉन सीना की यहां पर हो रही है बात। और इस चीज को लेकर फिर रूमर आते हैं सामने कि रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और ऐसा इस रिपोर्ट का मानना रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से जाइए सामने कि लास्ट वीक जॉन सीना से WWE के इसी बारे में बातचीत भी हुई है। इसका मतलब ये कि भाई हमें तो अब पता लगे लेकिन WWE इसकी जो तैयारियों पहले से ही कर रही है, और पिछले हफ्ते WWE की बात भी हुई है जॉन सीना से कि भाई उनकी रिटर्न कब होने वाली है। तो लगता है ऐसे WWE सही में अब जॉन सीना की जो सीक्रेट रिटर्न है वो प्लान कर रही है, हमें ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत है नहीं और बहुत जल्दी जॉन सीना करेंगे रिटर्न और जॉन सीना वर्सेस रोमन का मैच होगा समर स्लैम 2021 का मेन इवेंट। आई थिंक भाई इससे बड़ी न्यूज कोई हो नहीं सकती है कि जब WWE की बात भी हुई है पिछले हफ्ते, तो आप अभी बात मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 70-80% कन्फर्म मान सकते हो जॉन सीना की रिटर्न तो 100% कन्फर्म है, लेकिन अगर सीना और रोमन का मैच होता तो बहुत मजा आने वाला। और गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग कर सकते हो नीचे वीडियो को लाइक। इस अपडेट के बारे में आपको क्या सोच रहे हैं जब WWE ने जॉन सीना से ऑलरेडी पिछले हफ्ते बात की है इस चीज के बारे में, साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना, तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौवे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।